This video is sponsored by KW Delhi 6. Hello friends, I'm Dr. Harleen and I'm back with you all. और आज एक ऐसा टॉपिक है जो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डर लगता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको करना चाहते हैं बट मे बी टाइम नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है या डर है उसकी वजह से कर नहीं पाते, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? जब हम बोलते हैं कि हमें मेडिटेट करना चाहिए, हमें ध्यान लगाना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सो आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। तो मैं आज आपको बताऊंगी कैसे बहुत इजी स्टेप्स में आप मेडिटेट कर सकते हैं घर पर ही, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा आपको। सो आर यू ऑल रेडी? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, क्या आप अपने थॉट्स को वॉच करते हैं? जो आपको पूरा दिन थॉट आते हैं माइंड में, क्या आप उनको देख पाते हैं? क्या आप उनको वॉच कर सकते हैं? इतना इजी सा काम है, इतना छोटा सा काम है, ये तो हम कर ही सकते हैं। ओके, तो आज से आपको दो तीन चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना है। एक तो अपने थॉट्स को वॉच करना है, जो भी आपको थॉट आ रहा है, जब आप खाली बैठे हैं, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, या फिर जब आप मेडिटेट करना चाहते हैं, जिस वक्त आप मेडिटेशन या ध्यान में बैठते हैं या पाठ पूजा करते हैं, तो भी उस वक्त जो आपको थॉट्स आ रहे हैं सिर्फ उनको वॉच करना है। सो छोटा सा एक्सरसाइज एक कर लेते हैं, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। ओके, आपको रोज़ 5 मिनट्स निकालने हैं। 5 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं ना आप, तो कैसे आप 5 मिनट्स में मेडिटेट कर सकते हैं और कैसे आप ध्यान लगा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने थॉट को वॉच करना है। जैसे न्यूज़ चैनल पे नीचे एक स्क्रोलर चलता है, स्क्रोल होते हुए एक न्यूज़ आती है, ऐसे ही आपको आपके ब्रेन में जो भी थॉट चल रहे हैं वो बैक ऑफ द ब्रेन आपको इमेजिन करना है कि वो थॉट स्क्रोल कर रहा है। जो भी आप सोच रहे हैं वो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, वो आपको स्क्रॉल कर रहा है आपके बैक साइड के ब्रेन में, माइंड में। ओके, ये हम कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, अगर आप यही बिलीफ रखेंगे कि आप मेडिटेट नहीं कर पाए, आप नहीं कर सकते हैं मेडिटेट, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा माइंड है, जो ब्रेन है, इट्स लाइक मंकी। ओके, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद आपको दो तीन छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। फर्स्ट ट्रिक इज दिस, सेकेंड ट्रिक है, मैं सबको बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, कि आप 5 मिनट मेडिटेट कीजिए। अब 5 मिनट मेडिटेट करने से क्या होगा, वो 5 मिनट्स सिर्फ ध्यान लगाइए, बिल्कुल आपको कुछ नहीं बोलना है, और जो ब्रेन में स्क्रोलर चल रहा है उसको नोटिस करना है। तो उससे क्या होगा, 5 मिनट मेडिटेशन से पहले आपका ब्रेन तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा कि यस, मुझे मेडिटेट करना है, अब हमें 5 मिनट अब मेडिटेट करना है। तो 5 मिनट्स पहले और मेडिटेशन के 5 मिनट्स बाद तक भी माइंड उसी स्टेट में रहता है, तो हो गए ना 15 मिनट। तो हर घंटे अगर आप रोज़ 5 मिनट अपने लिए निकालेंगे तो कैसा रहेगा, तो हर घंटे आपने 15 मिनट्स मेडिटेट किया, तो पूरा दिन में आपने कितने मिनट्स मेडिटेट किया, मैनी मैनी मिनट्स। ओके, तो ये आपको टेक्निक करनी है। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, प्लीज विजिट एट साइट एंड ग्रैब द स्कीम बेनिफिट्स ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड, गो एंड रीड अ प्रोजेक्ट हाइलाइट्स। द सेकेंड टेक्निक, तो आप शुरू में अलार्म लगा सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे शेड्यूलर लगा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं कि 1 आवर में 5 मिनट्स मुझे अपने आप को देने। आप कुछ भी काम कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं, बस आपने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। अब हम ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने से क्या होता है? ओके, आप ये बताइए कि एक बच्चा सोफे के ऊपर जंप कर रहा है रेगुलरली, आप उसको मना कर रहे हैं कि नहीं करो, नहीं करो बेटा, डोंट डू दिस, चोट लग जाएगी, आप बहुत कुछ उनको अफर्म कर रहे हैं, बट वो बातें सुनने के बाद और ज़्यादा जंप करने लगता है, ऐसा होता है ना?
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आप बोल रहे हो वो उसके ब्रेन में नहीं जा रहा, बट आप चुपचाप उसको ऑब्जर्व करने लग जाओ, उसको सिर्फ देखने लग जाओ बिना बोले, तो क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन के साथ है, अगर आप बोलते रहेंगे कि नहीं मेरे को ऑब्जर्व करना है, मुझे मेडिटेट करना है, मेरे को ध्यान लगाना है, मेरे को कोई भी थॉट्स नहीं लाने हैं, तो क्या होगा, वो थॉट्स और ज़्यादा आपके ब्रेन में आएंगे। और जब आप ऑब्जर्व करने लग जाएंगे कि ओके आई एम क्वाइट और मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरे माइंड में मेरे ब्रेन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, उसको स्क्रोल की तरह आप देखने लग जाएंगे, स्क्रोलर की तरह, और लिखा हुआ देखने लग जाएंगे, या फिर जस्ट वॉच करेंगे कि क्या ध्यान में आ रहा है, क्या थॉट आ रहा है, तो क्या होगा, माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। ओके, सो दैट्स द ट्रिक। आपको ये छोटा सा टेक्निक है मेडिटेट करने का, तो हर घंटे 15 मिनट मेडिटेट हो गया और पूरा दिन में बहुत बहुत मिनट मेडिटेट हो गया। तो मेडिटेशन का एक बहुत ईजी टेक्निक है। मेडिटेशन में आपको बैठकर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ब्रेन अपने आप शांत हो जाएगा। एंड आप 40 डेज ये चीज़ करेंगे, ये टेक्निक करेंगे, तो आफ्टर 40 डेज आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका ब्रेन अपने आप ही उस स्टेट में चला जाता है बिना अलार्म के। जैसे कि आप अलार्म लगाते हैं और आप पहले उस वक्त उठते हैं, और अभी क्या होता है, अलार्म लगाने से पहले, अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है, दैट मीन्स आपका ब्रेन प्रोग्राम हो गया है। तो ऐसे ही मेडिटेशन के लिए ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है। सो दिस इज़ द वेरी इजी टेक्निक आई टेल टू माय क्लाइंट्स। तो आप इसको कीजिए और देखेंगे कि थोड़े दिन के बाद अपने आप ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा। ब्रेन को प्रोग्राम होने के लिए मिनिमम 40 डेज चाहिए। तो 40 डेज आप इसको करेंगे तो आप अपने आप से ही हर घंटे आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और मेडिटेशन यही है कि आपको पीस मिले उस वक्त आपका ब्रेन शांत हो जाए, कोई भी एक्स्ट्रा थॉट्स आपके माइंड में नहीं आए। सो दिस वॉज द टेक्निक फॉर मेडिटेशन। एक छोटी सी और टेक्निक बताती हूँ, मिरर टेक्निक। आपके पास घर में शीशा तो है, या आप हैंड मिरर ले सकते हैं। आपको रोज़ अपने सामने उस शीशे को पकड़ना है, या आप एक मिरर के सामने चले जाइए और आपको अपना नाम बोलना है। आप अपना नाम बोलेंगे एंड आप बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू द वे यू आर, आई रियली लव योर हेयर, आई लव योर स्किन, आई लव योर आईज। आप अपने बॉडी पार्ट्स को बोल सकते हैं, आप अपनी जो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको बोल सकते हैं, दैट आई रियली लव दिस थिंग इन यू। और ये आप रोज़ करेंगे मिरर को हाथ में पकड़ के, आप देखेंगे आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जीज, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आने लगता है अपने आप। और अगर कोई मिस्टेक्स की आपने, अगर आपकी लाइफ में कोई गिल्ट है, या उस दिन आपसे कुछ भी ऐसी गलती हुई है, या कोई मिस्टेक हुई है, गिल्ट है आपके मन में, तो वो भी आप उस मिरर के सामने बोल देंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे। सो दिस इज़ टू एक्टिवेट योर हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। बहुत जल्दी अभी मैं वीडियो में आपको चक्रास के बारे में भी बताऊंगी, कैसे हम कलर्स के साथ अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कलर्स हर जगह हैं, दे आर लाइक हर चीज़ में कलर है। आपको ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लैक एंड वाइट दिखता है सब कुछ, हर जगह कलर है, दैट मीन्स कलर्स की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसके बारे में भी बात करूंगी मैं आपसे बहुत जल्दी। तो इस मेडिटेशन टेक्निक को कीजिए और इस मिरर टेक्निक को कीजिए, और मुझे बताइए मैसेज करके आपको कैसा फील हो रहा है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम 2003 एंड मेरा सेंटर है 2003 से, और मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत ईजी टेक्निक्स बताई हैं एंड दे आर डूइंग रियली गुड। सो ऑल द बेस्ट आप सबको, और आप इस टेक्निक को यूज़ कीजिए एंड हमें मैसेज कीजिए। सो आई थैंक यू ऑल फॉर सीइंग माय वीडियो एंड लाइकिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस एट 8010908888। थैंक यू।